बोलते हैं कंप्लीट कंफर्ट। ये किसका बकरा है? सुफियान भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तेरा बकरा है और इतने आराम से सो रहा है, लगता बहुत खातिर किया है भाई तूने। क्यों सुफियान? भाई तेरे बकरे बता नावेद। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ खालिद भाई ये तो किलो के हिसाब से रहेगा ना? माशाल्लाह दिखती है फार्म की चीज दिखती है भाई। लेकिन भाई तेरे हिसाब से किलो से खरीदना बेहतर है कि बार्गेन करके खरीदना? बचपन से बार्गेन करते आए हैं सब लोग, तो किलो से ऐसा लगता है कि मुर्गी खरीदने जा रहे हैं। सही है भाई, ऐसा लगता भी नहीं कि भाई अपन कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं तो क्या किलो के हिसाब से। सही बात है। तो भाई कितने में लिया माशाल्लाह? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी तो सो रहा है इंशाल्लाह, बाद में इसकी वीडियो बनाऊंगा। माशाल्लाह थोड़ा खेलेंगे इससे। और भाई आपका नाम? आप शायद जूजर भाई के बड़े बेटे हो, राइट? मालवा देव और ऑसम। ये आई थिंक सो वन ऑफ द फाइव है, राइट? जी शोएब भाई बोलो। तो 1,20,000 रुपए अभी कोई देगा? भाई मजाक क्यों कर रहे हो? ये मुर्तुजा का बकरा है शायद। आप मेरे आपने बोले थे ना 5 बकरे उतरते साथ ही कितने का ऑफर आया था? 8.5 लाख। 8.5 लाख के माशाल्लाह 5 बकरे। हाँ भाई बोलो आप, ये बकरा बाहर के मार्केट का है कि आप लोग के घर का है? कितने साल पाला हुआ बच्चा? घर की बकरी ने बच्चा दी थी। तो प्योर मालवा है ये कि क्रॉसिंग में है? ये प्योर मालवा है, क्रॉसिंग। शायद मेरे ख्याल से आपकी मालवा बकरी थी और कोटा बकरा था, राइट? जी जी। उसका ही बच्चा है ना? ब्यूटीफुल। और क्या जूजर भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपके बताइए बकरे बताइए। मुझे माशाल्लाह से मैंने सुना था और आज देख लिया कि मालवा आपने क्या खूबसूरत बनाया तैयारी में। बताओ भाई एक एक इंट्रोड्यूस करो अपने बकरे। पहले कौन सा बताते हो? ये वाला मालवा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटू इसको उठा ना, ओए उठा इसको। क्या सिक्के है भाई, क्या सिक्के है। ब्यूटीफुल, अरे ब्यूटीफुल। परवरदिगार आप लोगों की कुर्बानी कबूल करे। आमीन आमीन। भाई क्या वेट के ऊपर है माशाल्लाह ये 90 केजी के आसपास। अरे आराम से आराम से। छोड़ दे मत उठा, जाने दे, तकलीफ मत दे। थके हुए भी है। अरे भाई ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल। इसको बोलते हैं मालवे का शौक। जूजर भाई आज तक इतने खूबसूरत मालवा है ना भाई, ये साइज में नहीं देखा मैंने एक साथ। अरे ब्यूटीफुल भाई, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह। बताओ दूसरा मालवा आपका। दूसरा मालवा ये है। अरे ब्यूटीफुल, ये भी आपके घर का बच्चा है? घर का ही बच्चा है। और ये पूरा बोर कट है, पूरा बोर। माशाल्लाह 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 ब्यूटीफुल भाई माशाल्लाह। अभी तीसरा बताओ। ये वाला है माशाल्लाह माशाल्लाह। छोड़ दे अभी छोड़ दे, कुछ भी कुछ नहीं है। ये मालवा है भाई माशाल्लाह, सब आपके ना सब क्रॉस है माशाल्लाह। ये 110 है। 110 ना होगा भाई, पॉसिबल। और चौथा ये कोटा है अपना नाइट भाई। अच्छा भाई कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा है, अच्छा, अच्छा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई। पांचवा बकरा कौन सा? अरे क्या सिक्के है भाई, इसको तो चेन से बांध कर दिया। ओहो ओहो
ओहो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इसको बोलते गर्मी संभालो संभालो भाई एक साथ पांच मालवे माशाल्लाह वो भी आउटस्टैंडिंग है सबसे बेहतर लगा भाई क्या खूबसूरत है माशाल्लाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माशाल्लाह बस परवरदिगार आपकी कुर्बानी कबूल करे एक नंबर चीज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चंबल ये भाई चंबल और ये कोटा कोटा मारम पीटी बस वालेकुम सलाम मारता नहीं है अरे भाई ये बकरों को मारते हैं ये अरे माशाल्लाह चार दांत पे है बच्चा चार दांत पे ये बैठ रहे हैं ना वो भी बैठ जाएंगे अभी उसको हटा रहे उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं वो मारने की कोशिश नहीं है बैठने की कोशिश कर रहे हैं भाई तेरा इसको मार दिया बंद इसने मार दिया उसको गिनती में नहीं आ रहे हो उतर गया दो दिन में मतलब यही नवे वाला कोटा है ना भाई गिनती में नहीं आ रहा मालवे के लिए ये तो क्या है भाई पीस बहुत खूबसूरत पीस है ये गंदे हुए थे आज भी तो बस ये सब तैयार करने वाला कौन है मुर्तजा ये हाँ क्या नाम है उसका मेरा नाम कुछ नहीं है भाई मेरा बस नाम ही नाम है मैं थोड़ा बहुत बस नाम ही नाम मुर्तजा नाम है माशाल्लाह हमारे आदमी लोग मालवा किंग हाँ माशाल्लाह ये सब बकर किसने तैयार किया है मुर्तजा ये हमारे दो बंदे हैं क्या नाम है नंदू है नंदू और छोटू 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 खिलाता क्या है तू भाई बादाम पिस्ता हाँ दूध मुर्तजा सेठ सब खिलाता ना बादाम पिस्ता सब कुछ और ये बात सबसे भारी बात भाई ये है कि ये सब बच्चे मुंह से खाते हैं सब मुंह से खाते हैं मुंह से खा के ऐसे मालवा बनाना भाई टू गुड भाई टू गुड सब दूध और बादाम पिस्ते का असर दिख रहा है भाई दूध रहता है थोड़ा बहुत बादाम पिस्ते नहीं रहते बाकी भाई तेरी जो चूरन है उसके अंदर बादाम पिस्ते भी रहते हैं माशाल्लाह बट ए वन बच्चे माशाल्लाह ए वन अस्सलाम वालेकुम और क्या भाई खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई आपका नाम बताओ सबसे पहले और ये लाजवाब जो बकरा खड़ा है आपके पास इसका नाम बताओ इसका नाम तो भाई ऐसे रखे हम लोग ने सिकंदर जी सिकंदर बुलाते और आपका नाम मेरा नाम है मुर्तजा तो आप हो एक्चुअली इसके मेकर माशाल्लाह से अभी भाई इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताओ जो आपके सामने के हैं भाई भाई ये तो पहली बार तो हमारे बकरी ने बच्चा डाली थी इसको जी और बचपन से पाले अभी फिलहाल 6,000 पेश कर रहा है तो मतलब मेरे ख्याल से इसको 2.5-3 साल होने को आ गए नहीं भाई 2.5-3 साल हो गए लेकिन माशाल्लाह से जो लोग बोलते हैं ना 1 साल में तैयार होता है नहीं ये ब्रीड को टाइम लेते हैं कम से कम 2.5-3 साल तो लगता है तैयारी होने बच्चे को अगर अपन 3 महीने का बच्चा लेते हैं 4 महीने का तो कम से कम 2.5-3 साल पकड़ के चलो लेकिन उसके बाद चीज़ जो बनती है देखने लायक बनती है और मैं तो सुना भाई ये जब 5 बकरे आपके उतरे थे 8.5 लाख रुपए का ऑफर लग गया आपको भाई लगी थी 8.5 लाख तो लग गई थी पर अपने को देना नहीं था हाँ भाई बेशक ये कुर्बानी के जानवर है तो फिर नियत पहले से हो गई थी बेशक हमारे बच्चे थे सब घर की बकरी के बच्चे थे अच्छा माशाल्लाह लेकिन भाई ये प्योर नहीं दिख रहा है ये भाई ये प्योर नहीं है हाँ ये असल में हमारी बकरी थी मालवा जी और मेरे पास थे कोटे जी तो कोटे से क्रॉसिंग पे लेकिन भाई लाजवाब क्रॉसिंग के अंदर निकला है माशाल्लाह लाजवाब है इनके पहले जो 4 बच्चे थे वो भी क्रॉसिंग पे ही थे दोनों चारों पांचों बच्चे सब कोटा से ब्रीड हुए थे पर मालवा की बकरी थी जी भाई खाली अभी एक बार बताओ इसको आप भराई करते हो कि माउथ फेड नहीं भाई हम लोग मैं भराई नहीं करवाता हूँ हमारा माउथ फीडिंग फोर्स फीडिंग नहीं और आप ये पालते किधर हो भाई हमारे पास आगे भिवंडी में एक जगह है आगे वाड़ा भिवंडी के आगे जी वहाँ पालते तो ये आपकी खुद की फैक्ट्री है जी जी तो मतलब आपकी फैक्ट्री के ऊपर काम ही इतना रहेगा तो भराई का तो सवाल ही नहीं होता
तो भाई ऐसी साइज कैसी आई भाई? भाई देखो हमारी पिलाई पिलाई अच्छी है और बाकी ये साइज कराने वाला तो ऊपर है, ऊपर वाला है। भाई रफली मेरे को बताओ महीने का एक बकरे के ऊपर खर्चा कितना आता रहेगा? भाई आज तक हमने खर्चा नहीं निकाले तो भी मैं अंदाजा बता दे रहा हूँ 4-4.5 हज़ार के ऊपर। मतलब उससे नीचे तो पॉसिबल नहीं है। और शायद जब बकराईद से पहले जब तैयारी होती है भाई उसके अंदर तो खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ जाता है भाई, लेकिन जो तैयारी दिखती है ना भाई मुंह से बोलती है माशाल्लाह। अब हमारे चार बकरे जो कुर्बानी हो गए उसकी देख नहीं भाई, ये वीडियो के अंदर मैंने उसको भी कवर किया हूँ, वो भी इंशाल्लाह क्लब करूंगा मैं, क्योंकि कल मौका नहीं मिला भाई आपसे बात करने का। बट आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह सर, ब्यूटीफुल भाई, चेहरा दिखाओ ना थोड़ा इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या रुबाबदार है, क्या सिक्के, ब्यूटीफुल भाई क्या सिक्के माशाल्लाह ब्यूटीफुल। और एक है जी जो अदन पे अभी फिलहाल, तो भाई वो बेचने के लिए है? नहीं नहीं बेचने के लिए भाई, हमारे कुर्बानी के लिए रखते हैं। भाई परवरदिगार आपकी कुर्बानी कबूल करे और इंशाल्लाह आपकी मेहनत कबूल करे। आउटस्टैंडिंग जानवर है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, क्या लेंथ है भाई। अपने व्यूअर्स के लिए कुछ आप बोलना चाहोगे, आपके भाइयों के लिए कुछ बोलना चाहोगे जो बकरों का शौक करते हैं? भाई मैं इसी चीज जानता हूँ कि इनको मोहब्बत से पालो जी, वो आपके आप बनते। सही है, तो जो आजकल ये भराई का ऐसा फैशन चल रहा है आप प्रिफर नहीं करोगे भाई कि और अच्छे वेट कर? मैं तो नहीं करता हूँ, मैं इस पे ये नहीं करता भराई पे, क्योंकि मुंह से खा के अगर आप अच्छे से अच्छा खिलाते हो, अच्छे से अच्छा खिला तो बनता है बकरा, ऐसा नहीं है। उसको सही मोहब्बत मोहब्बत से रखो बस, खाली आपको थोड़ा टाइम भी देना है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सही बात है, चलो भाई जज़ाक अल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। पत्ते लाने गया ना भाई, फ्री है माशाल्लाह 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 ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम। एट लास्ट अभी आपके पास आए हम लोग। हाँ तो शोएब भाई ये बकरा जो है माशाल्लाह, जो साइज में जरा घुमाओ इसको। अच्छा ये वन, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा घुमाओ भाई। शोएब भाई 5 मिनट का थोड़ा टाइम दो हम लोग को भी, बताइए शोएब भाई इसके बारे में, खाने को चलेगा? इसके बारे में मैंने ये फार्म से लिया हूँ। तो भाई आप देना को क्यों नहीं प्रिफर किए, फार्म को क्यों प्रिफर किए? ये हमारे पड़ोसी है कंपाउंड में खालिद भाई। हाँ भाई, ये कितने केजी पे रहेगा?
ये मैंने वेट कराया उनके स्केल पे जी, तो ये इसका 82 था। लेकिन भाई आपने स्केल पे करा है, लेकिन यही चीज़ अगर कोई देवनार में बोलता देने के टाइम पे तो कम से कम बोलता कि 100 किलो के ऊपर का बकरा है। नहीं लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, अगर यही देवनार में बिकता तो कोई भी बोलता कि ये 100 केजी के ऊपर का है। लेकिन भाई फिर आप देवनार इसी वजह से प्रेफर नहीं करते हो? बहुत ज्यादा हो गई थी बरसात, माशाल्लाह ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है। परवरदिगार आपकी कुर्बानी कबूल करे इंशाल्लाह। और भाई एक सवाल, ये जैसा बना हुआ है माशाल्लाह, ये तो माशाल्लाह पूरा भराई के साइज में है, भराई पे नहीं है माशाल्लाह से, मुंह से खा के इतना बेहतरीन बनते हैं जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। आप भराई की बकरी प्रेफर करते हो भाई? क्यों नहीं करते हो? ओके, उनको नेचुरल जितना खाना है पूरा जी, दैट इज मतलब वो बहुत अच्छा होगा। क्यों भर, फिर क्या बाद में हम लोग कुर्बानी के लिए वो जानवर खरीदते जी, फिर हमें भराई करना पड़ता, वो हमको आती नहीं। एग्जैक्टली राइट, ये आपने सही बोले। और माशाल्लाह से जब मुंह से खा के इतना अच्छा बनता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, तो जरूरत ही नहीं है। अभी तो भाई अजान का टाइम हो रहा है इंशाल्लाह। ओके चले, खुदा हाफिज़।